तो फाइनली जो है स्पाई मूवी रिलीज़ हो चुका है। जैसे कि मैंने इसके ट्रेलर में बोला था कि ये जो है ओवर हाइप्ड लग रहा है, कि बिना मतलब का जो है कहानी को खींचा जा रहा है और ज़बरदस्ती के नेताजी को जो इसमें घुसा के जो है मूवी को ऐसे बनाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा कोई सस्पेंस थ्रिलर, बहुत बड़ा कोई राज खुलने वाला हो। जो है ये जो राज खुलने वाली बात है या फिर जो नेताजी के बारे में बात है, ये केवल आपको आखिरी के 10 से 5 मिनट में ही देखने को मिलेगा। राणा डुग्गू बटे का केमियो भी जो है आखिरी में ही देखने को मिलता है। और मतलब ये जो केमियो जो देखने को मिला राणा डुग्गू बटे का, ये जो है पूरे कास्ट की परफॉर्मेंस से जितने भी निखिल सिद्धार्थ हर समय जितने भी जो इसमें स्टार कास्ट थे उनसे भी ज़्यादा जो है प्रभाव जो है राणा डुग्गुपति का जो 1-2 मिनट का जो केमियो है उसमें जो है आपको देखने को मिल जाता है। ये लोग स्पाई का रोल कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक मस्ती में ये लोग जो है कोई नाटक कर रहे हैं, मतलब कोई सीरियसनेस ही नहीं लगते भाई। ज़बरदस्ती का जो है जिसके ट्रेलर में बात किया था मैंने कि ये ओवर हाइप करने की कोशिश की जा रहा है, मूवी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैंने बात किया था कि निखिल सिद्धार्थ और ऐश्वर्या मैंने जो कैरेक्टर है इन दोनों के बीच पास्ट में कुछ ऐसे थे रिलेशंस थे और साथ ही साथ जो है इनके जो है मकसद में जो है कुछ ना कुछ जो है ये डिफरेंसेस कारण जो है ऐसे बात इनके बाद में कोई दुश्मनी टाइप का हो जाएगा, तो ऐसा होने को मिलता है, गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। निखिल सिद्धार्थ का एक भाई का जो करेक्टर है जो कि बताया गया इसमें सुभाष नाम है उसका भी, उसके बारे में भी इसमें कुछ दिखाया गया है। तो वही बात है कि इसमें जो खादिर नाम का एक जो आतंकवादी जो नेताजी के सीक्रेट के पीछे पड़ा है, ये सिर्फ नाम के लिए जो है नेताजी को जोड़ दिया गया है इसमें। और बाकी जो है मेन पॉइंट इनका ही है कि मूवी को किसी भी तरह से खींचो, इधर उधर टाइम बर्बाद करो, क्योंकि अगर आपका फोकस अगर भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो आखिर के 5-10 मिनट में उनको दिखाने की क्या जरूरत है। इन्होंने राम सेतु कांड किया है, जैसे कि राम सेतु में उन्होंने जो है पूरा मूवी को बिना मतलब के खींचते जा रहे थे, रावण के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं, राम के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट में उन्होंने हनुमान जी को दिखा के ऑडियंस को सरप्राइज करते हैं, जो कि ऑडियंस ही चूतिया थी क्योंकि इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है भाई। एपी के कैरेक्टर के एंट्री के साथ ही लोगों को समझ जाना चाहिए था, क्योंकि मैं खुद समझ गया था कि हनुमान जी। और उसके बाद छोड़ो, स्पाई में भी वही बात है, नेताजी का नाम केवल उपयोग किया गया है और बाकी कहानी को ये लोग अपने हिसाब से खींच रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, लगता भी नहीं इनको देख के कि कोई स्पाई है। मतलब क्या यार, कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के कोई भी कॉमेडियंस को झोंक मारने के लिए ले लिया गया है, कुछ भी किया जा रहा हो। आप जाओगे तो आपको लगेगा कि ये साउथ की मूवी है भाई। पता है स्पाई मूवी बना रहे हो, पता है कि कुछ बना रहे हो तो रिसर्च कर लेते, नेताजी के नाम पे केवल इसको बेचा जा रहा है जबकि नेता से जुड़े हुए कोई ज़्यादा कुछ इसमें दिखाया भी नहीं जा रहा है। हमें लग रहा था कि कितना बड़ा राज खुलने वाला है, बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि यहाँ सच होने वाली है, ऐसा होगा वैसा होगा। चलो कुछ समय जो है आपको अगर मूवी देखना ही है तो आखिर के 5-10 मिनट में देख लूँगा, मेरा जो है वसूल हो जाएगा। ये क्या मतलब कि आप पूरी 2 घंटे 1.5 घंटे मूवी आप झेला रहे हो, कोई भी कुछ मतलब का चीज़ नहीं है इसमें। आप देखोगे भाई बोर हो जाओगे, सर बीटने लगे क्या देख रहे हो। साउथ मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज़ अच्छा ही मास्टरपीस निकलेगा, ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है निखिल सिद्धार्थ से। और उनको सीख लेना चाहिए कि कार्तिकेय 2 को आपने बनाया, आपको सपोर्ट मिला तो आपको अच्छा खासा स्क्रिप्ट के साथ अच्छा खासा मूवी के साथ आना चाहिए था। ये नहीं कि नेताजी के नाम पे आपने ओवर हाइप्ड करके कुछ भी दिखा दिया और लोग उसको देखते भी रह गए, तो ये बहुत गलत चीज़ है भाई। साउथ इंडियन वालों का ये मतलब ही नहीं कि साउथ का मूवी है कि मास्टरपीस ही होगा, ये लोग भी जो है ऐसे एक वाहियात मूवी बनाते हैं। सत्य प्रेम की कथा का पॉजिटिव रिव्यू आने को देखने को मिल रहा है भाई, सब चूती आप लाइन को काटो। तो निखिल सिद्धार्थ जो एक्सपेक्ट किया था उस पर जो है इस बार खरा नहीं उतार पाए हैं, तो देखते हैं कि अगले आने वाले इनकी कई सारे मूवीज लाइनअप पे पड़ी हुई है, तो देखते हैं वो उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन ये मूवी जो है एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पाई है। तो आपने क्या स्पाई मूवी देखा है, आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए बताइएगा।